BMW की पहली इलेक्ट्रिक SUV iX भारतीय बाजार में आ चुकी है और कंपनी ने इसे बनाने के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल मोबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। हालांकि ये गाड़ी इन सब चीज़ों के अलावा काफ़ी ज़्यादा हाईटेक भी है। कितनी हाईटेक है आइए जानते हैं। BMW की iX में सबसे बड़ा जो टेक इनसाइड का काम किया है वो है शाईटेक। जी हाँ, इसके जरिए ही आप बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो iX में और साथ ही बहुत सारे काम आप अपने करवा सकते हो। बेसिकली एक यूजर इंटरफेस भी आप पैदा कर सकते हो और गाड़ी से बात भी कर सकते हो। तो BMW iX के हम इंटीरियर में बैठे हैं और ये काफी ज्यादा हाईटेक लग रहा है। जी हाँ, सेगमेंट फर्स्ट आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऐसा देखने को मिलता है, जैसा कि भरपूर फीचर्स के साथ है और फुल्ली HD ये आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम 14.9 इंचेस का आपको देखने को मिल जाता है और इंस्ट्रूमेंट कंसोल ये आपको 12.3 इंच का देखने को मिल जाता है। ये टच स्क्रीन है, हालांकि इसे आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको बटन मिलता है, होम बटन, मीडिया, टेली, नेविगेशन का भी आपको यहां पर बटन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे नेविगेशन के साथ आता है। 3D नेविगेशन है और इस गाड़ी में ये जो आप देख रहे हो ना क्रिस्टल का ये जो रोटरी नॉब है ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये जो वॉल्यूम का आपको बटन देखने को मिलता है ये भी क्रिस्टल में देखने को मिल जाता है। माई मोड्स जो कि गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। पर्सनल, स्पोर्ट, एफिशिएंट यानी कि जैसे कि आप कह सकते हो कि इको मोड है, स्पोर्ट यानी कि इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड पे आप चला सकते हो और पर्सनल यानी कि अपने हिसाब से जो नॉर्मल मोड होता है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो पहले मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ड्राइवर प्रोफाइल, एक चीज और ये आप देख रहे हो ये बेसिकली जेस्चर कंट्रोल है। आप जितनी भी BMW कार्स में देखते हो वैसा ही आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये जेस्चर कंट्रोल है, आप ऐसे हाथ घुमाते हो अपना तो ये आवाज तेज कर लेता है और ऐसे घुमाते हो तो ये आवाज कम कर लेता है। तो इसमें आपको जेस्चर कंट्रोल मिलता है प्रॉपर, जैसे कि BMW की दूसरी गाड़ियों में मिलता है और काफी इफेक्टिव है ये। और यहाँ पर अगर आप मेन्यू में आते हो तो यहाँ पर आप देखते हो ड्राइवर्स प्रोफाइल, मोबाइल डिवाइस, पर्सनल असिस्टेंट, माई मोड्स, चार्जिंग, कितनी चार्जिंग है, लाइव व्हीकल, डोर्स एंड विंडोज के बारे में आप यहाँ देख सकते हो कि लॉक है, अनलॉक है, कंफर्ट, एक्सेस वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा बैक जाते हैं तो यहाँ पर पार्किंग, रियर पार्किंग का और 360 डिग्री व्यू कैमरा एंगल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट 360 डिग्री व्यू आपको यहाँ प्रॉपर पूरी तरह देखने को मिल जाता है और काफी अच्छे ग्राफिक्स, काफी अच्छा कैमरा कंपनी ने इसमें इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सटीरियर लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप साइड लाइट, राइट पार्किंग लाइट, लेफ्ट पार्किंग लाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा ड्राइविंग सेटिंग में अगर आप जाते हो तो ड्राइवर असिस्टेंस, ड्राइव ट्रेन एंड चेसिस का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चार्जिंग का आपको यहाँ देखने को मिल जाता है कि कितनी चार्ज है, क्या है, चार्जिंग केबल अनलॉक करना है, लॉक करना है। फैन, लाउडनेस, ऑटोमेटिक, ये जो AC वेंट्स का जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिपार्चर प्लान, AC लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। खास बात यह है इसका जो टच एंड सेंस है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। ऑल एप्स में अगर हम आते हैं तो ये सेम वही है। इसके अलावा बैक जाते हैं, होम बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये टेलीफोन देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए मेन मेन्यू, ऑल कॉल्स, हु आर यू, ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है। और नेविगेशन इसका काफी ज्यादा बढ़िया है। BMW की आपने दूसरी गाड़ियों में भी देखा होगा, अगर हम डेस्टिनेशन इनपुट में कुछ भी डालते हैं जैसे कि व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अगर हम डालते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके का ये नेविगेशन शो करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आपको इसमें वॉइस असिस्टेंट यूज करना है तो इसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी, हेलो BMW, ओपन मेन मेन्यू। तो इस तरीके से आप वॉइस कमांड के जरिए इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंपनी हेड अप डिस्प्ले भी ऑफर कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर BMW iX और ये मीडिया रेडियो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इनफैक्ट जब गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको यहाँ पर इसका स्पीड लिमिट RPM मीटर भी आई थिंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको कंटेंट, लेआउट, हेड अप डिस्प्ले जो कि अभी आपको दिखाया था मैंने, कंटेंट में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर कितने किलोमीटर चल रही है, ये जर्नी डाटा जो भी है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा
यहाँ पर रेंज प्रिडिक्शन, कितनी रेंज अभी ये गाड़ी देगी वो देखने को मिल जाता है, और साथ ही कंटेंट क्या क्या है, असिस्टेड व्यू, ये आपको चीजें देखने को मिल जाती है, रूट प्रीव्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, नेविगेशन मैप आप यहाँ देख सकते हैं, और जैसा कि म्यूजिक सिस्टम में आप कौन सा गाना सुन रहे हो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर पूरी तरह आरपीएम मीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा BMW iX की ग्रिल में कंपनी ने कुछ सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया है। जी हाँ, ये सेंसर्स इस गाड़ी में जो एक फीचर मिल रहा है ना, काफी खास फीचर है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को लेकर। अगर कोई व्यक्ति इस गाड़ी के आगे से पैदल गुजर रहा होगा, इस गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट है या ये गाड़ी चल रही है, तो ये उसे सेंस कर लेगी और आपको अंदर एक साउंड सुनाएगी जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया गाड़ी के आगे से कोई निकल के गया है, और वहां पर आप अलर्ट हो जाएंगे। है ना खास फीचर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों से भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि BMW की iX के बारे में या टेक इनसाइट के बारे में जानना चाहते हैं।